और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजद्रोह की धारा पर केंद्र ने जवाब मांगा है और वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए। दरअसल वक्त मांगा क्या है आपको बता दें, राजद्रोह की धारा पर केंद्र ने और भी ज्यादा वक्त देने की मांग की है। तो राजद्रोह की धारा पर केंद्र ने और वक्त मांगा है जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। जो जवाब देना है केंद्र की तरफ से, जो जवाब दाखिल करना है उसको लेकर फिलहाल केंद्र ने वक्त मांगा है। आपको बता दें नवनीत राणा और उनके पति के ऊपर राजद्रोह का मामला भी लगा है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से अभी और वक्त मांगा गया है जवाब दाखिल करने के लिए। और मेरे साथी गौरव इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ पे। गौरव, लगातार राजद्रोह की धारा को लेकर तमाम अलग अलग तरह की बातें भी सामने आ रही थी, अब क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, कहा जा रहा है केंद्र ने और वक्त मांगा है? देखिए, दरअसल जो आईपीसी का सेक्शन 124A है, जिसमें राजद्रोह की बात कही गई, उसकी संवैधानिकता के ऊपर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। और इससे पहले जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, जब कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या इसकी संवैधानिकता आज के समय में बनती, क्योंकि अंग्रेजों के समय बनाया हुआ कानून है। और उसके बाद जुलाई 2021 के बाद दोबारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर 4 दिनों का वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि वो इस पर जवाब दे, लेकिन फिर से केंद्र सरकार ने इस पर जवाब मांग लिया। और देखिए, चाहे जेएनयू प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, चाहे उसके बाद तमाम भाषणों को लेकर राष्ट्रद्रोह जैसी धाराएं लगाई गई हैं, और अब वही धारा जब अभी सांसद नवनीत कौर राणा पर लगी है, तो इस तरह के तमाम मामलों में ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या भारत देश में ही रहने वाले नागरिकों पर राष्ट्रद्रोह जैसी धारा लगाना उचित है, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय बनाया हुआ कानून है, जब हम पर कोई और राज करता था। ऐसे में आज के समय में भारतीय नागरिकों पर ही राष्ट्रद्रोह की धारा लगाना कितना उचित है, इसकी संवैधानिकता पर समय समय पर सवाल खड़े होते हैं, और इसी को लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना था। लेकिन इस बार भी केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि अभी उसे जवाब देने के लिए और वक्त चाहिए होगा। तो कुल मिलाकर बहस जो है वो लगातार कोर्ट रूम के बाहर और कोर्ट रूम के अंदर बनी हुई है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार इस पर अपना क्या रुख रखती है, लेकिन उसने अभी और समय मांगा अपना जवाब देने। बिल्कुल गौरव, जानकारी के लिए शुक्रिया। हालांकि अभी हमने देखा था शरद पवार ने भी राजद्रोह की इस पूरी वैधानिकता पर सवाल खड़े किए थे, और राजद्रोह खत्म करने का यानी कि 124 से आईपीसी की धारा को ही इस पर दोबारा विचार करने की उन्होंने बात कही थी।